हेलो गाइस, आज हम आपको गाजर को सुखाकर साल भर स्टोर करने का तरीका बताएंगे, जिससे कि आप कभी भी खीर बना सकते हैं, व्रत में, उपवास में, किसी भी समय आप हलवा भी बना सकते हैं, कोई मेहमान आए तो आप उसको बना सकते हैं। इस तरीके से उसको सुखा करके हम स्टोर करेंगे, और इसमें हम जब कभी बनाना होगा तो इसको हम कुकर में एक कटोरी अगर हम गाजर को डालेंगे तो तीन कटोरी पानी डालकर एक सीटी लगा देंगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। आपको भिगोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो आप रात भर भिगो करके इसको बना भी सकती हैं, लेकिन ये उबालने से बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, तो आप इसको उबाल कर बनाएंगी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। इसी स्वागत के साथ हम चलते हैं, आपको किचन में ले चलते हैं और गाजर का हलवा बना करके दिखाते हैं। आप इन गाजरों को देख रहे हैं, आज इन गाजरों को हम इस तरीके से आपको बताएंगे, इन गाजरों को इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि आप इनको साल भर स्टोर कर लीजिए। जब गाजर खत्म हो जाती हैं तब आप इसका हलवा भी बना सकते हैं, इसकी खीर भी बना सकते हैं और इसको सलाद में भी यूज कर सकते हैं। बस इसका कोई भी झंझट वाला काम नहीं है, बस आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे करते जाइए, बहुत सिंपली तैयार हो जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं इसको करना क्या है। हमने तो ये छील करके ली है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि इनको कैसे रेडी करना है। जैसे ये हमारी गाजर है तो ये बिना छिली हुई बिना फ्रेश की हुई है, तो हम इसको दिखाते हैं। पहले हमें इसे फ्रेश करना है। जैसे हमने गाजर लिया, इसको छील लेना है, और गाजर आपको मोटी लेनी है, लाल कलर की लेनी है, थोड़ा मीठी होगी वही लेनी है आपको। गाजर खराब नहीं लेनी है कि चलो सड़ी जा रही है, उसको हम फटाफट ठीक करके ऐसे सुखा लेते हैं। अगर आप जितनी टेस्टी गाजर लेंगी उतना ही इसमें टेस्ट बना रहेगा। इस तरीके से इसको छीलने के बाद में इसका बैक पार्ट भी साफ कर देंगे इस तरीके से, इसको इसे काटते हुए, और जो ये रह जाता है इसमें थोड़ा थोड़ा सा, इसको भी ऐसे निकाल देंगे। इस जगह पे जड़ें होती हैं हल्की हल्की, और इस साइड से भी आप देख सकते हैं इसको भी ऐसे हटा देंगे। हमको धो लेना है, इसको पानी निकाल देना है, इसी तरीके से सब रेडी कर लेंगे। तो ये गाजर तो फ्रेश होकर रेडी हो गई है। इसमें आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी कि इसमें पानी ना लगा रहे, सब सूख जाएगा, पानी की कोई बात नहीं है। तो इसको आगे हम कैसे रेडी करते हैं आपको दिखाएंगे। ऐसे कोई थाली लेनी है और उसमें आपको घिसना है, बहुत बारीक कद्दूकस नहीं लेना है, ऐसे आपको लच्छेदार घिस लेना है। ये देखिए इस तरीके से घिस लेना है, और घिसने के बाद में हम आपको मिलते हैं, दिखाते हैं इसको। देखिए हमने घिसी है, गाजर को घिस लिया है। आपको गाजर की क्वालिटी देख करके लेना है, इसमें जो ये बैक साइड वाला भाग होता है इसमें ज्यादा पीलापन नहीं होना चाहिए। हमारी गाजर में नहीं है, ये दिख रहा है इसमें, लेकिन गाजर में पीलापन नहीं है। इसमें बहुत इजिली ये तैयार हो जाता है, अगर पीला वाला पार्ट होता तो ये हार्ड होता है, गाजर का टेस्ट बिगाड़ देता है। तो इसमें हमें क्या करना है आपको हम बताते हैं। सुखाने के भी इसका एक तरीका है, ऐसे नहीं आप सुखाएंगे कि जैसे ले गए किसी कपड़े पर डाल दिया। अगर आप इसको कपड़े पर डाल देंगी तो जो इसका मेन टेस्ट है वो कपड़े में ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए करें, आपको या तो इस तरीके से कोई प्लेट ले लीजिए, दो चार थालियां ले लीजिए, या तो आप ही पॉलीथीन ले लीजिए। पॉलीथीन में भी क्या रहता है, उसमें भी जो इसका जूस है वो इसी में रहेगा, और जब धूप लग जाए तो उसके बाद में अगर इसमें थोड़ा सा सूखापन आ जाए उसके बाद इसको आप कपड़े पर डाल सकते हैं। आपको इस तरीके से अलग अलग डालते हुए फैला देना है जिससे कि इसमें अच्छे से धूप लग जाए। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसको रात में कद्दूकस करके फ्रिज में रख दीजिए, और सुबह होते ही जैसे धूप निकले फैलाना है। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि जब आपको सुखाना है तो धूप बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं हमने एक दिन धूप में डाला दूसरे दिन बदली हो गई, आपकी सारी गाजर खराब हो जाएगी। तो अभी इसमें जो गीलापन है वो कपड़ा खींच लेगा तो इसे टेस्टलेस हो जाएगी। और भी पॉलीथीन या थाली में सुखाएंगी तो इसका पानी इसी में रहेगा तो इसमें मिठास बनी रहेगी। तो पहले हम इन सबको रेडी कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, फिर आपको तुरंत ही इसकी खीर भी बना के दिखाएंगे और कैसे इसको स्टोर करना है वो भी बताएंगे। घिसते समय जब इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बचते हैं लास्ट में, तो आपको इसमें नहीं डालना है, इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं आपको डालना है, एक केवल ये लच्छा ही रखना है। ये देखिए गाजर हमारी सूख करके रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से सूख कर रेडी हुई है।
और इसकी आवाज भी आपको सुना रहे हैं, देखिए कितनी कुरकुराहट है इसमें। बहुत अच्छे से सूख गई है। और ये हमने फ्रिज में रखा हुआ था, इसको पहले हमने ट्राई किया था तो हमने देखा कि फ्रिज में रखने से इसमें और भी जो है इसकी क्रिस्पीनेस और बढ़ जाती है। ये देखिए, ये फ्रिज का रखा हुआ है, ये नहीं कि आप फ्रिज में रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बंद कंटेनर में फ्रिज में रख दीजिए, ये और भी करारी हो जाएगी एकदम से। आवाज से आपको पता चल रहा होगा, सुनिए आओ इसकी भी आवाज। अब हम इसको भिगोएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसका अभी हलवा बना करके। कभी व्रत पड़ता है, कभी आपको खीर खाने का मन है, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और कुछ नहीं है, तो आप थोड़ा सा हलवा फटाफट बना लेंगे। अब इस गाजर को हम आपको भिगो के दिखाएंगे, चाहे तो आप नॉर्मल पानी से भिगो लें, चाहे आप गर्म पानी से भिगो लें। लेकिन अगर आप कुकर में सीटी लगाएंगे, इसको पानी के साथ में उबालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे थोड़ा सा इसमें कड़ापन रहता है, लेकिन फिर भी बढ़िया बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरीके से हम आपको दिखाएंगे, आप बना सकते हैं। पैन ले लेंगे, उसमें इस पानी को गाजर के सहित आप डाल देंगे। आप देखिए ये बिल्कुल वैसी ही ताजी हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे हम लोग लच्छा घिसते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हो गई है। अब इसको हम थोड़ा सा पानी निकल जाने देंगे। ये देखिए पानी निकल गया है इसका। अगर आप पानी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सफाई से इसको हमने सुखाया है। कोई भी चीज सुखाने के टाइम पर आपको डायरेक्ट जमीन से नहीं रखना है, चारपाई या किसी ऊंची चीज पर आप इसको सुखाएं तो धूल मिट्टी भी नहीं जाती है, धुली थी सब बिल्कुल फ्रेश तरीके से हमने सुखाया था। इसका पानी यूज कर सकते हैं, खीर में तो यूज हो जाएगा, हलवा में तो आप बच जाता है तो पी सकते हैं। तो हम इसका आपको हलवा बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा देसी घी ले लेंगे। यदि आपको घी की खुशबू नहीं पसंद है, जिसमें खुशबू ना हो वो तेल आप ले सकते हैं। हमने जो गाजर रेडी की थी भिगो करके, उसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए। और अभी आपको हम खीर भी बना के दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये गाजर कितनी यूजफुल है। ऐसा ना लगे आपको कि अरे ये तो सब बेकार की चीजें हैं। तो इसको हम इसी तरीके से चला करके बंद कर देंगे। और दूध वाली हम आपको भिगोएंगे भी नहीं, इसी तरीके से दिखाएंगे बिना भिगोए हुए बना करके। इसको ढक दीजिए, गैस की फ्लेम को धीमा कर दीजिए। अब इसको 2 मिनट तक ऐसे पक जाने दीजिए। अब इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा पकाना तो इसलिए पड़ेगा ना कि हम लोग जब गाजर पकाते हैं तभी तो बनाते हैं हलवा, तो इसको थोड़ा सा टाइमिंग तो आपको बिल्कुल प्रोसेस तो वही है बनाने का, बस आपको रखी हुई गाजर का बनाना है कि हमने जो इसको सुखा के इतना अच्छे तरीके से रेडी किया है। तो अब देख लीजिए ये लगभग ये पक चुकी है। थोड़ा सा 2 मिनट में तो नहीं पकेगी, 2 मिनट और ढक दीजिए, इसके बाद में ये फुल रेडी हो जाएगी। अब देखते हैं इसको। अब ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें जितना आपको मीठा खाना हो उस हिसाब से शक्कर डाल दीजिए। अब हम 3-4 चम्मच में शक्कर डालेंगे। यदि आपको लगता है कि थोड़ा सा सूखापन है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, 1/4 कप या 1/4 कप दूध डालकर भी इसको पका सकते हैं। अब इसमें अगर आपको शक्कर घुलने में दिक्कत होती है तो आप जरा सा दूध डाल दीजिए। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ऐसा है हो सकता है, क्योंकि जब हमने इसको सुखा दिया है तो इसमें ज्यादा पानी तो है नहीं जो रिलीज करेगा, तो आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, बस केवल 1/2 कप, और इसी में ये शक्कर मेल्ट हो जाएगी। हम कम मीठा बना रहे हैं इसलिए हमने इतना डाला है, आप शक्कर ज्यादा मीठा खाना चाहें तो आप ज्यादा डाल सकते हैं इसमें। अब देखिए शक्कर घुल गई है, अब इसको हम इसी में चाशनी को घुला देंगे। जब हो जाएगी तब ये बिल्कुल चाशनी जैसी हो जाएगी, जैसे हम लोग बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट रहेगा और वैसी है आपका हलवा रहेगा। आप कलर देख सकते हैं, कलर में कोई चेंजिंग नहीं आई है, बन गया है। अब इसमें आपको थोड़ा सा खोया डाल देना है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो जिस समय हमने दूध डाला था उसी समय आप मलाई डाल दीजिए, सब साथ में ही बनकर रेडी हो जाएगा। खोया भी बन जाएगा उसी के साथ में और आपका हलवा भी बन जाएगा। और यदि खोया है तो आप इस स्टेज पर डाल दीजिए, उसको बस मिक्स कर दीजिए अच्छे से।
हलवा बनकर रेडी हो गया। बताइए, कोई कहेगा कि आपने गाजर पहले सुखा के रखी है फिर आपने इसका हलवा बनाया है? आप ना माने तो एक बार थोड़ी सी गाजर बना के आजमा लीजिए, उसके बाद आप 10 किलो 5 किलो 8 किलो जितनी गाजर बना के रखना चाहते हैं बना के फ्रिज में रख लीजिए, और वैसे भी आप बाहर भी रख सकती हैं इसको। हमारा ये गाजर का हलवा, बिना सीजन गाजर का हलवा बनाइए, खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, फिर आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये हलवा बनाना। ये देखिए, हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। कौन कहेगा कि आपने गाजर सुखा के उसका हलवा बनाया है? इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट है कि जब आप इसको बनाएंगे तभी आपको इसकी कदर पता चलेगी कि ये कितना मतलब स्वादिष्ट बनता है हलवा। और अपनी फैमिली में बना के सबको खिलाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये हलवा हमारा किस स्वाद में बना है, अच्छा या खराब। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में इंजॉय कीजिए। आपको होली के साथ में गाजर का हलवा यदि बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, इस समय इसको रेडी भी कर सकते हैं। तो हैप्पी होली, आपका हलवा बनकर रेडी हो गया है। और आपको यदि हलवा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है, ये तरीका आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने ग्रुप्स में शेयर करके हमारा सपोर्ट बढ़ाएं। अब हम इस सूखी वाली गाजर से आपको खीर भी बना के दिखाएंगे, और इसके लिए आपको भिगोने की भी जरूरत नहीं है खीर में। ये देखिए, हमने दूध खौला लिया है, अब इसी दूध में हम गाजर को डालेंगे। जिस क्वांटिटी में बनाना हो वो आपके ऊपर है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से उठाएंगे और ऐसे दूध में डाल देंगे। आपको डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं डाल करके। इस तरीके से डाल करके इसको हम अच्छे से चला देंगे। तो इसको आपको भिगोने की जरूरत नहीं है, खीर तो आप बिना भिगोए ही बना लें। अब ये पक जाती है, फिर हम आपको दिखाते हैं। बहुत जल्दी खीर बहुत जल्दी रेडी होगी, बना के रख लीजिए, आपको व्रत में बहुत आराम हो जाएगी। ये देखिए, खीर भी बनकर रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से तैयार हुई है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, जितना आपको मीठा खाना है आप चीनी डाल दीजिए, तो मेवा आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो जैसे हमने इसको गाजर को इसमें दूध में पकाया है, तो हलवा वाली गाजर आप कुकर में सीटी लगा कर उसको रेडी कर सकते हैं, और भी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप भिगोना ना चाहें तो बस कुकर में उसको सीटी लगा दें तो आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, और पानी निकाल करके उसके हलवा बना लीजिए। ये आपको हम सर्व करके दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी टेस्टी और कितनी लेटेस्ट खीर बनी है। कोई भी इसमें ये नहीं बताएगा कि आपने गाजर को सुखा करके स्टोर किया था और उसके बाद में आपने खीर बनाई है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। बस इसके तरीके जो हमने बताए हैं वही फॉलो कीजिएगा, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी इसमें, और बहुत ही हेल्दी भी है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि ये महसूस ना हो कि आपने गाजर की बनाई है, टेस्ट भी इसका वैसा ही है। अच्छे से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, थोड़ी सी आप जो भी आपकी इच्छा हो आप डाल दीजिए इसमें मेवा, और जो भी आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिना मेवा के भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमारी गाजर की खीर भी बनकर रेडी हो गई है। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा है खीर बनाने का, हलवा बनाने का, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।